हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष के जड़। हाँ तो गाइस, इंडियाज मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी पुष्पा द रूल इंडियन सिनेमा में एक पावरफुल लेवल पर लैंड होने वाली है। और जितने भी फैंस है अल्लू अर्जुन सर के, इवन हेटर्स भी भाई सब आंखें गड़ाकर बैठे हुए हैं कि क्या ये रिलीज होने वाली है या फिर पोस्टपोन्ड होने वाली है। स्पेशली जो नेगेटिविटी ट्विटर पर चल रही है उसके बारे में बोल रहा हूँ। और जितने भी हेटर्स हैं उनके लिए काफी शॉकिंग अपडेट निकल कर आया है पुष्पा के ऑफिशियल शूट के बारे में कि कितने दिन का शूट बचा है। मैं सब बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक तो करो यार। आप लाइक नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, कब तक चलता रहेगा? तो पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं बैक टू बैक अपडेट लाते रहते किसके लिए, आप ही के लिए। तो चलिए जान लेते हैं गाइस। ट्विटर पर इसके शूट को लेकर काफी धक्का धुक्की मची हुई है। कोई बड़े बड़े क्रिटिक जो 4 फॉलोवर्स हैं वो बोल रहे हैं कि इतने दिन का शूट बचा हुआ, अभी 3 महीने का शूट बचा हुआ है। पता नहीं कितनी कितनी कितने लोग कितनी बातें और कितने मुंह वाली बातचीत हो रही है। लेकिन कुछ ऑफिशियल शूट निकल कर आया है कॉस्ट्यूम डिजाइनर की तरफ से। तो पहले अपन बात कर लेते हैं कि क्या सीन देखने को मिल रहा है। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज, पुष्पा 2 की शूटिंग में अभी 40 दिन का शूट अभी बाकी, यानी कि 40 डेज का शूट बाकी है। फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने ये चीज कंफर्म की है कि भाई सब 40 दिन का शूट बचा हुआ है। और जो डायरेक्टर सुकुमार सर है ना भाई सब, उन्हें जब सेट पे होते हैं तो वो काफी ज्यादा सोचते रहते हैं कि कब क्या होना चाहिए। ऑब्वियसली यार, डायरेक्टर ये सोचना तो पड़ेगा। डायरेक्टर सुकुमार सर जब सेट पे होते हैं तो उन्हें शूट करने में काफी ज्यादा समय लगता है, क्योंकि यार डायरेक्टर है तो उन्हें सारी पोजीशन सेट करनी पड़ेगी। कौन विलन कहाँ पर खड़ा होगा, कौन कास्ट कहाँ पर खड़ा होगा, तो सारी चीजें उन्हें मैनेज करनी पड़ती है। तो इसलिए डायरेक्टर सुकुमार सर काफी ज्यादा सेट पर काफी ज्यादा होता ना कि एक्टिव माइंड की तरह रहते हैं और प्रॉपर तरीके से सोचते गाते रहते हैं, और इस कारण उन्हें शूट में काफी ज्यादा समय लग जाता है। और ये चीज जो कंफर्म की है जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, भाई सब क्या कॉस्ट्यूम रखे हो यार। पुष्पा द रूल का मैंने कॉस्ट्यूम देखा, मतलब अल्लू अर्जुन सर का स्पेशली, भाई उनका कॉस्ट्यूम कितना खतरनाक यार, कैसे क्या डिजाइन किया आई डोंट नो, लेकिन काफी अच्छा लग रहा है। तो गाइस, कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने ऑफिशियली लेवल पे कंफर्म कर दिया, ओनली 40 डेज का शूट बचा है। स्पेशली आइकन स्टार अल्लू अर्जुन सर अगस्त मंथ के फर्स्ट वीक में सेट ज्वाइन करने वाले हैं हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में। अगस्त के फर्स्ट वीक में ज्वाइन कर लेंगे, उनका एक क्लाइमेक्स है, उसी के साथ साथ एक आइटम्स होंगे, बस 2 पोर्शन से जिसे शूट करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बाकी फाहद फाजिल सर का शूट बाकी है, और जो सुनील सर है यानी कि मंगलम श्रीनु उनका है, और रमेश राव के भी कुछ सीन बचे हुए हैं, मतलब ऐसा हाँ उनके कुछ सीन बचे हुए, अनुसुईया मैम के भी थोड़े से सीन बचे हैं बस। यानी कि ओवरऑल देखा जाए 40 डेज के शूट के बाद, अब देखना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि सपोर्टिंग कास्ट का शूट तो चला, लेकिन अल्लू अर्जुन सर का शूट कब तक खत्म होता ये देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये बात हो गई है शूट के बारे में, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि मूवी की टीम को ऐसा क्या रिवील करना चाहिए जो कि ये हेटर जो कर रहे हैं ना, मतलब 10 मुंह 10 वाली बातें जो कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने आप लोगों को 4-5 दिन पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि डायरेक्टर सुकुमार सर को बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहिए, कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करना चाहिए। लाइक देखो, सॉन्ग वॉन्ग तो भाई सब रिक्वायर्ड है, लेकिन अब थोड़ा सा एक्शन थ्रिल हो जाए, क्योंकि जब यात्रा वाला टीजर आया था तो काफी खतरनाक हाइप जनरेट हो गया था, लेकिन वहां पर काफी लोग डिसअपॉइंट हो गए थे कि यार बस एक छोटा सा सीन दिखाया, ये दिखाया, हम मल्टीपल एक्शन सीक्वेंस का वेट कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि मल्टीपल एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेगा, मल्टीपल कास्ट देखने को मिलेगा, ये फैंस की डिमांड थी। लेकिन यात्रा वाला एक्शन सीक्वेंस जस्ट एक ही शॉट था जो कि फैंस कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं हुए थे। तो लेकिन अब मूवी की टीम को इसका ब्रांड न्यू टीजर, एक्शन वाला टीजर शेयर करना चाहिए, या फिर टीजर शेयर करने की कोई प्लानिंग नहीं है, तो यहां पर मूवी की टीम को 2 बिगेस्ट ट्रेलर को रेडी करना चाहिए, एक मल्टीपल एक्शन सीक्वेंस का और एक प्योर एक्शन का। जिस तरह अपने को सालार का फर्स्ट ट्रेलर और सेकंड ट्रेलर फाइनल पंच देखने को मिला था, बिल्कुल इस तरह से करना चाहिए। मैं आप लोगों को बताऊं ना, अगर मूवी की टीम ने यह कर दिया या तो टीजर शेयर कर दे भाई सब, अगर बड़ा टीजर देखने को मिल जाएगा मल्टीपल एक्शन सीक्वेंस के साथ, मल्टीपल कास्ट के साथ, तो मुझे नहीं लग रहा कि हाइप जैसी कुछ चीज होगी
भाई सब हाइप का बाप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मूवी की टीम कुछ भी रिवील कर दे, क्योंकि ब्लॉकबस्टर बाप उन लोगों ने बनाया है, जो भी बनाए काफी पावरफुल लेवल पे बनाए, कुछ भी रिवील कर दो यार, हम तो एक्साइटेड है, हम थोड़ी ना मना करेंगे। आप अभी कुछ शेयर कर दो, मैं प्रॉपर तरीके से एयरबड लगा के एक्शन रिएक्शन देने लग जाऊंगा। वैसे गाइज आप लोग हमें बताएं इंडियाज मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी पुष्पा द रूल के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है और आपके क्या ओपिनियन है इसके रिमेनिंग शूट के बारे में, क्या लगता है, क्या लगता है मूवी का अपकमिंग अनाउंस क्या हो सकता है, न्यू टीजर या फिर ट्रेलर वन, या मतलब अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको भी इंस्पायर्ड और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।